एक बार फिर से आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। श्रीलंका से एक बड़ी खबर आ रही है, कल हुए प्रदर्शन में 103 लोग घायल हुए, इसमें से 55 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है जबकि एक की हालत गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। कल हुए प्रदर्शन में 11 पत्रकार भी घायल हो गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, श्रीलंका संकट पर कल जो प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन के बाद ये खबर आ रही है कि 103 लोग कुल मिलाकर कल प्रदर्शन में घायल हुए हैं। इन 103 लोगों में से 55 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है और आईसीयू में उसे भर्ती किया गया है। इसके अलावा 11 पत्रकार भी कल के श्रीलंका के प्रदर्शन में घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। अंकित गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, जो प्रदर्शन हुआ उसमें जो घायल हुए, क्या वो पुलिस की गोली से, लाठी से, किस तरह से घायल हुए? जी बिल्कुल, जो ये प्रदर्शन जब चल रहा था उस दौरान जो पुलिस और प्रशासन ने कोशिश की थी कि हालात को काबू किया जाए, इस दौरान जो फायरिंग भी की गई थी, लेकिन जैसी जानकारी अब तक मिल रही है उसमें जो पुलिस की तरफ से जो बल प्रयोग किया गया है उसमें अधिकतर लोग घायल हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, उसके अलावा जो है थोड़ा सा जो है और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया था। तो कोशिश पुलिस और प्रशासन ने ये की थी कि बिना गोली चलाए जितने ज़्यादा हालात को काबू किया जा सके। हालांकि हालात काबू करना मुश्किल था और हमने देखा है कि राष्ट्रपति भवन में जब वो लोग दाखिल हो रहे थे तो जो है गोलियाँ भी चलाई गई थी, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक अधिकतर लोग जो है वो है जो उस दौरान जो पुलिस बल प्रयोग हुआ था जिसमें वाटर कैनन समेत जो तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया था उस दौरान घायल हुए हैं। लेकिन अभी जो है जो एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अभी जो है कुछ लोगों का आंकड़ा अभी भी सामने आना बाकी है, तो ऐसे में मुमकिन है ये जो आंकड़ा भी जो 100 के पार पहुंचा है या जो अगले कुछ घंटों में कुछ और संख्या बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं उन्होंने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के निजी आवास पर हमला किया है। तो अब पुलिस और प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि आज भी शाम तक इस तरीके के हालात ना बने। हालांकि अभी भी हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है कोलंबो के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि हालात को सामान्य किया जा सके और लोगों को समझाया जा सके कि देखिए आपका जिस चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन है, अब तो खुद राष्ट्रपति की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वो 13 तारीख को इस्तीफा दे देंगे गोटाबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो जो मुख्य मांगे हैं जब वो पूरी हो रही है तो इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और इससे देश ही नहीं दुनिया भर में इस तरीके की छवि खराब होगी और वो आने वाले दिनों में मुश्किलें भी पैदा कर सकती है। लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है लेकिन अभी भी लोग सड़कों पर मौजूद हैं। जी आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार सुबह से हैं। जिस तरह की तस्वीरें श्रीलंका में कल आई थी उसके बाद से अब ये खबर आ रही है कि इसमें 11 पत्रकार भी घायल हुए हैं और आमतौर पर जब ऐसे प्रदर्शन होते हैं तो दोनों पक्षों के लोग घायल भी होते हैं। लेकिन आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, यूरोपियन यूनियन का भी बयान आया है श्रीलंका की इस संकट की घड़ी में। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन ने सभी को कॉल अपॉन किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं और बड़ी बात है कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से अपील की है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको पीसफुल ट्रांजिशन की ओर बढ़ना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि ये जो हालात पैदा हुए हैं श्रीलंका में ये और ज़्यादा एग्रीवेट ना हो। तो ये बड़ी बात है कि यूरोपियन यूनियन ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि सिचुएशन हाथ से बाहर निकलती जा रही है विकास, और इसलिए अब से चंद मिनट पहले यूरोपियन यूनियन ने बयान जारी करके सभी पक्षों से अपील की है कि पीसफुल ट्रांजिशन हो, कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से यूनिटी गवर्नमेंट सभी दोनों को मिला करके वहाँ पर स्थायी सरकार दी जाए। जी लेकिन आशीष, एक बड़ा सवाल ये है, एक स्थायी सरकार बन भी जाएगी, स्थिति शांतिपूर्ण हो भी जाएगी, लेकिन शांतिपूर्ण स्थिति के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आर्थिक मदद। आर्थिक मदद के लिए कौन आगे आएगा? देखिए, भारत तो बिल्कुल सामने खड़ा है। भारत अभी थोड़ी देर पहले जब विकास में और आप बात कर रहे थे तो भारत ने अपनी तरफ से जो सहायता अभी तक वो श्रीलंका को दे रहे थे उस ओर बड़ा कदम उठाया है, जबकि इतना अक्यूट क्राइसिस है वहाँ पर, सड़क पर गोलियाँ चल रही हैं। कोई भी और देश होता, मैं दोहराना चाहूँगा, पहले भी मैंने आपसे ये बात कही थी, वो अपने आप को रिस्ट्रेंट करता, वो इंतज़ार करता कि पहले स्थिति सामान्य हो जाए फिर हम दोबारा से अपने असिस्टेंस को शुरू करें। भारत ने उसका इंतज़ार नहीं किया और मैं फिर दोहराना चाहूँगा, मुझे लगता है हाईएस्ट लेवल पे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो, मुझे लगता है सभी ने ये मिल करके तय किया है कि इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में अगर हम श्रीलंका की मदद करते हैं तो श्रीलंका की आवाम को ये समझ में आएगा कि एक ही देश है भारत जो निस्वार्थ भाव से आपके समर्थन में, आपकी मदद में खड़ा है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपका सवाल का टू द पॉइंट प्रिसाइज जवाब है कि भारत नेक्स्ट डोर नेबर है और भारत उस करीबी दोस्त की भूमिका निभाता रहेगा और श्रीलंका को लगातार अपनी तरफ से असिस्टेंस देता रहेगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि जो पीसफुल ट्रांजिशन होना है, जो ऑल पार्टी सरकार वहां बननी है, भारत उसको कम से कम बैकडोर सपोर्ट कर सके। जी तो हम आशीष बता रहे हैं कि लगातार जो है भारत की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है और भारत सबसे करीबी
पड़ोसी है, ये श्रीलंका के लोगों के मन में बात जानी चाहिए, इस बात की भी कोशिश है, क्योंकि लगातार ये कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। जब से आर्थिक संकट वहाँ उभरा, दवाइयाँ और बाकी रसद अनाज सब कुछ भारत ने पहुँचाया, और इस वक्त जब बुरे दौर से श्रीलंका गुजर रहा है, तो दूसरी तरह की मदद भी भारत करने के लिए तैयार है। हम आपको अब से कुछ देर पहले भारत की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई थी विदेश मंत्री जयशंकर की, वो सुनवाते हैं, क्या कहा था उन्होंने। वी हैव बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ श्रीलंका एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प एंड वी आर ऑलवेज वेरी वेरी हेल्पफुल वेयर दे आर कंसर्न, बट दे आर राइट नाउ वर्किंग थ्रू देयर प्रॉब्लम, सो वी हैव टू वेट एंड सी व्हाट दे डू। देयर इज नो रिफ्यूजी क्राइसिस राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, एक जो बड़ा सवाल है कि अगर हालात नहीं सुधरे जल्दी श्रीलंका में, तो वहाँ से शरणार्थी भी शुरू हो सकते हैं, जिस बात का जिक्र विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं कि फिलहाल वो संकट नहीं है, लेकिन भविष्य में ये संकट खड़ा हुआ तो सबसे पहले सबसे करीबी देश भारत ही शरणार्थी आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, और इसको अवॉइड करना, इसको संभालना भारत की मुझे लगता है कि प्राथमिकता है, और इसी वजह से उन्होंने स्पष्ट करना भी ज़रूरी समझा। डक कर सकते थे, इस सवाल का जवाब नहीं भी दे सकते थे, इतने बड़े डिप्लोमेट हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी कोई रिफ्यूजी समस्या नहीं है। लार्जली सही भी है विकास की, ये सभी लोग जो सड़क पर उतरे हैं, ये अपने जो सत्ता है उसका परिवर्तन चाहते हैं, वो देश छोड़ करके अभी आना शुरू भी नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स आ रही हो कि जो क्रॉस ओवर करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक वास्तविकता भी है, सच्चाई भी है, अच्छी बात भी है अगर इस तरह की क्राइसिस ना पैदा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट भारत पर आएगा और भारत के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी होगी। इसीलिए लेट अस होप एंड प्रे, हम सबको यह कामना करनी चाहिए कि श्रीलंका में कोई ना कोई राजनीतिक जो इसका ट्रांजिशन का उपाय है वो जल्द से जल्द निकले और ये रिफ्यूजी की समस्या किसी को भी ना झेलनी पड़े। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ अंकित गुप्ता भी बने हुए हैं। अंकित गुप्ता कोलंबो में रहकर आए, श्रीलंका में जिस दौर में आर्थिक संकट की शुरुआत हुई, बुरे हालात थे उस समय, वहां पर थे। अंकित, लोग ये चाहते हैं कि सरकार बदले, सरकार के साथ सिस्टम बदले और एक बार फिर से देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो देश छोड़ के नहीं भागना चाहते। ये बिल्कुल नहीं भागना चाहते, और पिछले 3-4 महीनों से अगर मैं तस्वीरों की बात करूं, और इनफैक्ट अभी जब रनिल विक्रम सिंघे ने जिस दौरान प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, मैं वहीं पर मौजूद था, उस दौरान भी जब मैंने लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि देखिए हमारी देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं राजनेताओं की वजह से चौपट हुई, हम चाहते हैं कि ये तमाम जो राजनेता हैं वो अपने पद से हटे और एक नई सत्ता यहाँ पर केंद्र में आए जो देश को संभाले और आगे ले जाए। लेकिन जिस बात का आपने जो आशीष से जो सवाल पूछा ना, ये सवाल मैंने वहाँ की आम जनता से पूछा कि आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा चीन के ऊपर और भारत के लिए बड़े भाई बिग ब्रदर के जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने पूछा आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए भारत की इतनी बड़ी आबादी है, देश कोरोना के माहौल से निकला है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे माहौल में लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है, लगातार जो है पेट्रोल डीजल भेज रहा है, लगातार यूरिया और खाने के सामान भेज रहा है, तो यह दिखाता है कि किस तरीके से भारत जो है श्रीलंका के साथ खड़ा है, और जबकि चीन लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहा है, सवाल लिया है उसकी जो है ब्याज। आपने कहा कि लोग चाहते हैं कि नई सत्ता आए, नए लोग आए, ये नए लोग कौन है? इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ नए चेहरे उभर कर सामने आए? देखिए उस आंदोलन से तो बड़े चेहरे निकल के नहीं आते दिखे, क्योंकि वो उस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, वो सिर्फ जो है पब्लिक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं ना, उसी तरीके का मूवमेंट वहां पर दिखाया। लेकिन जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आखिर कौन लोग, तो उनका ये कहना था देखिए हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्थव्यवस्था में बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन जो राजनेता है उनका मकसद सिर्फ एक है, करप्शन, यानी कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन, वो ये चाहते हैं कि जो तमाम राजनेता है वो किसी भी दल के हो वो सत्ता में ना रहे, बल्कि नए लोगों को एक ट्रांजिशन ऐसा हो कि नए लोग आ जाएं। लेकिन विकास आप भी समझते हैं, आशीष भी समझते हैं, ये इतना आसान तो नहीं होगा कि एकदम से कोई नए लोग सामने आए और वो जो है देश चलाने लगे, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में चुनौतियां हैं, लोगों को भी समझाना होगा, लोगों को समझना होगा, लेकिन साफ तौर पर ये जरूर साफ है श्रीलंका में कि जो मौजूदा जो है राजनेता है उनके ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहा है। जी अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी बने रहेंगे। जानिए
गोलियां सटे। गोलियां सटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। गोलियां सटी। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।